दिग्रस तालुका में हमेशा विवादों का केंद्र रही साहारा ग्राम पंचायत की मनमानी एक बार फिर सामने आई है। यहाँ के गरीब परिवार की घरकुल फाइल पर सरपंच के राजनीतिक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से दलित परिवार घरकुल से वंचित हो रहा है। साहारा ग्राम पंचायत के सरपंच के राजनीतिक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से दलित परिवार घरकुल से वंचित हो रहा है। प्रकाश सुदाम भगत एक विकलांग व्यक्ति है और एसी श्रेणी में उनका नंबर घरकुल है। साखरा की सरपंच संगीता केशव राठौड़ उनकी फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रही है। इसी वजह से एक गरीब परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। उल्लेखनीय है कि प्रकाश भगत की पत्नी का कोरोना काल में निधन हो गया है, इसलिए जहाँ सरपंच परिवार को बेवजह परेशान कर रहा है वही परिवार तनाव में है। वही कई दलित परिवार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जबकि समूह विकास अधिकारी रमेश खरोड़े ने उनको आश्वासन देकर इस भूख हड़ताल को खत्म किया। माझं घरकुल मध्ये नाव 3 नंबर आहे। मी एससी कॅटेगरीचा असून अपंग आहे। मी फाइल जमा करून 1 महिना झाला तरी सरपंच त्याच्यावर सही देत नाही आहे, म्हणून मी पूर्ण संपूर्ण परिवारासह उपोषणाला बसलो। उल्लेख करा ना, पत्नी मला वरिष्ठांनी दखल घेऊन याबद्दल तात्काळ न्याय द्यावा। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।